हालांकि कुछ बड़ी मूवियां जो होती हैं उनमें कुछ अमाउंट ज्यादा लग जाता है, जैसे कि आप लोग के सामने हम रख देते हैं पुष्पा। पुष्पा जब बनी थी उसका 250 करोड़ अमाउंट पहली मूवी में लगा के दिया गया था। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले जैसे पुष्पा के रोल के लिए, जैसे कि अभी जानते हैं आपको अल्लू अर्जुन देखने को मिल जाते हैं पुष्पा में, और वहीं पर हमें जैसे प्रभास पहले इस मूवी के लिए चुना गया था, प्रभास को चुना गया था, लेकिन प्रभास ने ये कह करके मना कर दिया था कि भाई इतना गंदा रोल मैं नहीं करूंगा, जबकि अल्लू अर्जुन को उसके बाद चुन लिया गया था। अल्लू अर्जुन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए मूवी में पूरी 4 चांद लगाते हुए नजर आए, लेकिन 250 करोड़ में बनने वाली मूवी को सीधा 500 करोड़ कर दिया जाए तो ये चीज भी अपने आप में काफी ज्यादा इंगेजिंग हो जाती है। 250 करोड़ में इतना ज्यादा अमाउंट, इतना ज्यादा हिट मूवी हुई थी, पूछो मत। वहीं पर अगर उसी मूवी को 500 करोड़ में रिवील कर दिया जाए तो क्या बम्फर लॉटरी लग सकती है, ये चीज सोचो। जैसे 500 करोड़ में बनेगी अभी पुष्पा 2, बन रही, बन के बनेगी नहीं, बनकर रेडी हो चुकी है, और इसमें सिर्फ साउंड इफेक्ट एंड थोड़े बहुत स्टोरीज पर काम चालू है, जो कि बहुत जल्द यानी कि 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होगी। अगर 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो रही तो हाथ मलने वाली तो भाई गाइस बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी कमाई जो करने वाली है ये शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी। क्योंकि अगर बात किया जाए इसकी शूटिंग पिछले 2 साल से स्टार्ट है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। पुष्पा 1 जैसे इस बॉक्स ऑफिस से उतरी थी और उसके बाद इस मूवी का पार्ट 2 का सीजन चालू हो गया था, यानी पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसको स्टोरी पर काम चालू हो गया था, इसलिए इसमें काले पीले नीले हरे लाल दिखते हुए पुष्पा 2 काफी ज्यादा भयानक रोल में नजर आने वाले हैं। लोग इससे काफी ज्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं। फिलहाल हम इंजॉय जरूर करेंगे पुष्पा 2 को, और आप लोग क्या सोचते हैं अल्लू अर्जुन की इस मूवी के बारे में और रश्मिका मंदाना के बारे में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।